हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और आज मैं अपने चैनल पे एक नए वीडियो के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। और इस वीडियो में मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ भुवनेश्वर शहर के ओल्ड टाउन एरिया में 13वीं शताब्दी का एक प्राचीन मंदिर, जिसको के चित्रकारिणी मंदिर कहा जाता है। तो ये मंदिर मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ इन डिटेल्स, और उसके बारे में जो भी जानकारी मुझे है मैं आपको देने की कोशिश करूंगा इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। ये देखिए, इस मंदिर के गेट के पास ये ऐसा नाम लिखा गया है मूर्ति के साथ। ये एएसआई के तत्वावधान में है ये मंदिर, तो इसीलिए इसका बोर्ड लगाया गया है प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट और प्रोहिबिटेड एंड रेगुलेटेड एरिया का। तो चलिए फिर उसके अंदर चलते हैं। देखिए, मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। अंदर आते ही ये मुख्य मंदिर है, ये बीच में है, और चार शाखा मंदिर चारों कोने में, मुख्य मंदिर के चारों कोने में चार छोटे छोटे मंदिर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। देखिए, मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, वो चार कोने में ये मंदिर है। देखिए, आप अगर अंदर आएंगे तो फिर ये पूरा सामने आपको मिलेगा, ये जो मुख्य मंदिर, चित्रकारी मंदिर जो कहते हैं उसको। और आप उस मंदिर को फेस करते ही आपके बाईं तरफ ये एक छोटा सा मंदिर है, और आपके दाहिने तरफ ये एक दूसरा मंदिर है। सामने ये देखिए, मुख्य मंदिर के पिछले वाले भाग में एक कोने में ये छोटा एक और मंदिर है। और दूसरे तरफ अगर हम जाएंगे, चलिए फिर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये एक दूसरा मंदिर आपको देखने को मिलेगा। देखिए, ये एक मंदिर है। को जो छोटा सा मंदिर मिलेगा, मैं अभी उसको डिटेल्स में आपको दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं इसमें इतना नक्काशी नहीं है, और जो भी था वो आहिस्ते आहिस्ते यहाँ पे नष्ट होता जा रहा है। और अभी यहाँ पे जो ये टीन का द्वार लगा दिया गया है, तो ये जो यहाँ पे एएसआई के कर्मचारी हैं जो के मेंटेन करते हैं इस लॉन को, इस परिसर को, तो उन्होंने उनका स्टोर रूम किया हुआ है यहाँ पे। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से मेंटेन किया जा रहा है इस मंदिर के परिसर को। तो उस तरफ जो है उतना जगह नहीं है, तो फिर चलिए, लेकिन मैं आपको कोशिश करता हूँ इस सब्सिडरी मंदिर को दिखाने के लिए। यहाँ पे कोई पार्श्व देवा देवी नहीं है। जगह की कमी के लिए मैं आपको इस भाग को पूरा डिटेल्स में आपको नहीं दिखा सकता हूँ। इस तरफ देखिए, ये पूरा नया पत्थर लगाया गया है, इसमें कोई नक्काशी नहीं है। ऊपर के भाग में जो है वही नक्काशी यहाँ पे किया गया है। तो चलिए फिर दूसरा वाला मंदिर को मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, फिर चलेंगे पीछे की ओर। ये देखिए, इस तरफ जो है यहाँ पे नक्काशी नहीं है, यहाँ पे पार्श्व देवा देवी कोई नहीं है। ये देखिए, देवी काली यहाँ पे पूजा पा रही हैं। ओम प्रातर्जस्यत कुमारी कुसुम कलिकया जापमाला जपंती मध्याह्ने प्रौढ़ रूपा विकसित वदना चारु नेत्रा निशाया शयान्ने बुद्ध रूपा गलित कुज जुगा मुंड माला बहंती सा देवी देव देवी त्रिभुवन जननी कालिका पातु स्मान। तो उसी मंदिर के बाहर का दृश्य मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। कोई पार्श्व देवा देवी नहीं है।
ये देखिए वो मुख्य मंदिर है, चित्रकारिणी मंदिर जो मैं आपको कह रहा था। देखिए बढ़िया से लॉन मेंटेन किया गया है। ये जो दीवार आप देख रहे हैं ये लिंगराज मंदिर का दीवार है, ये कॉमन दीवार है इस मंदिर और लिंगराज मंदिर के बीच में। माना जाता है कि जो कारीगर लिंगराज मंदिर को बना रहे थे तो वही कारीगर इस चित्रकारिणी मंदिर को बनाए हैं। ये दो मंदिर छोटे छोटे मंदिर है, मंदिर के पीछे वाले भाग में मुख्य मंदिर के, और ये मुख्य मंदिर है, और सामने वाले भाग में जो है जहाँ से मैं अभी आया हूँ आपको दिखाऊँ ये मंदिर, तो ये जो है ये स्टोर रूम उनका कर्मचारी रहने का शायद जगह किया गया है एक और स्टोर रूम। ये दक्षिणी तरफ का है ये मंदिर का भाग, और ये पिछले वाले भाग में मंदिर के इतना बड़ा जगह यहाँ पे है, मैं आपको अभी वो दिखाने लाया हूँ, तो देख सकते हैं आप ये पूरा बहुत बढ़िया जगह है। सामने पेड़ के यहाँ पे पढ़ाई भी करते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत शांति है, तो आप शांति से पेड़ के नीचे बैठ के आप अपना पढ़ाई कर सकते हैं यहाँ पे। ये देखिए मंदिर के पिछले वाले भाग में जो छोटा सा एक मंदिर वो यहाँ पे है, तो उसको अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ एक साइड से। मतलब जैसा कि ये मंदिर आपको पूर्वी तरफ के ओर है इसका मुंह, तो ये अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ दक्षिण की ओर दिखा रहा हूँ, दक्षिण ओर के जो व्यू है उसका वो दिखा रहा हूँ। यहाँ पे जो थोड़ा बहुत नक्काशी हुई थी वो अभी धीरे धीरे खराब हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे पार्श्व देवादेवी नहीं है कि मंदिर के अंदर भी कोई देवादेवी नहीं है। ये देखिए वो मंदिर के सामने वाले भाग को मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। इसका देखिए डोर जाम में ऐसी नक्काशी हुई थी, अभी तो बहुत सारे पत्थर टूट गए हैं नक्काशी और नए पत्थर से रिप्लेस कर दिया गया है इसको। ये पूरा क्लियरली विजिबल है यहाँ पे। ये देखिए ये मंदिर के अंदर का भाग, यहाँ पे कोई देवादेवी नहीं है। और चलिए यहाँ पे चौथे मंदिर की ओर चलते हैं। ये छोटा सा मंदिर जो है इसका एक भाग याद देखिए दक्षिणी भाग से मैं आपको दिखा रहा हूँ।
मंदिर में भी कोई देवा देवी नहीं है और पार्श्व देवा देवी भी इस वजह से कोई नहीं है यहाँ। ये देखिए इस मंदिर के पिछले वाले भाग को मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। ज्यादा जगह यहाँ पे नहीं है क्योंकि एक दीवार है बीच में जो कि वो गार्डन को और इस मंदिर के परिसर को डिवाइड करता है, तो जितना भी मेरे से संभव है मैं आपको अभी वो दिखा रहा हूँ। पिछले वाले भाग में भी देखिए यहाँ पे पार्श्व देवा देवी कोई नहीं है। अभी इस मंदिर का मैं जो है सामने वाले भाग आपको दिखाता हूँ। ये मंदिर का डोर जाम अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको, वो भी पूरा नया पत्थर से, उसको शायद रिप्लेस कर दिया गया है। ये पुराना वाला पत्थर है, इसमें थोड़ा सा नक्काशी है। मंदिर के अंदर भी देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है। ये देखिए उत्तरी दिशा के ओर ये मंदिर ऐसा दिख रहा है। ये देखिए अभी मैं आपको मंदिर के सामने जो मुख्य मंदिर है उसके सामने से आपको दिखा रहा हूँ पूरा। उसके सामने में एक तुलसी का चौरा है जहाँ पे कि एक तुलसी लगाया गया है, यहाँ पे पूजा हो रहे हैं क्योंकि हिंदू धर्म में तुलसी की बहुत मान्यता है। ये आप देखिए अभी मैं मुख्य मंदिर को दिखा रहा हूँ, चित्रकारिणी मंदिर जो है, तो चलिए अभी मैं उसको इन डिटेल्स में आपको दिखाता हूँ। ये देखिए द्वार के पूरा ऊपर जो है यहाँ पे नवग्रह है और नवग्रह के नीचे आपको ये दिखाई देंगी, ये माता लक्ष्मी है शायद। ये देखिए अभी मैं इस मुख्य मंदिर के डोर जाम को अभी दिखा रहा हूँ, द्वार में क्या क्या सब है, कैसा नक्काशी है, ये आपको इन डिटेल्स में अभी आपको दिखा रहा हूँ। इसमें जो आपको दिखाई दे रहा है ये लोहे का एंगल यहाँ पे सपोर्ट के लिए दिया गया है, आप देख सकते हैं क्लियरली मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ।
आपको ये मंदिर जो है एक साइड से शुरू करते हुए आपको दिखा देता हूँ और इस मंदिर के बारे में बताते हुए चलता हूँ। मंदिर का कंस्ट्रक्शन जो है इसका प्लिंथ एरिया एक है उसमें उससे फिर ये मंदिर का निर्माण हुआ है। ये मंदिर में दो भाग है, एक जगमोहन है, सामने वाले भाग को जगमोहन कहते हैं और पिछला वाला जो भाग है जो के पूरा हाइट में आप देख रहे हैं तो उसको विमान और देवलो कहते हैं, जहाँ पे के भगवान जी होते हैं मंदिर का और वहाँ पे वो पूजा होते हैं और यहाँ पे भक्तजन उनका दर्शन करते हैं यहाँ पे अंदर खड़े होके। देखिए इस तरफ से एक जो आपको दिखाई दे रहा है पांच पिलर जैसा स्ट्रक्चर उसमें नक्काशी की गई है, तो ये जैसा कि खिड़की होता है तरह का जो वेंटिलेशन के लिए ये बनाया गया है मंदिर के अंदर से जो हवा और रोशनी पास करने के लिए।
यहाँ पे पार्श्व देवा देवी कोई नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मंदिर का पिछला वाला भाग है जो कि पश्चिम की ओर है, तो यहाँ पे कोई देवा देवी नहीं है और इसको मैं अभी आपको डिटेल्स में दिखा रहा हूँ।
ये उत्तरी दिशा की ओर मंदिर का जो बाहरी वाला दीवार है अभी मैं आपको वो दिखा रहा हूँ। यहाँ पे भी कोई पार्श्व देवा देवी नहीं है। ये देखिए जगमोहन के जो उस तरफ मैंने आपको दिखाया था, दक्षिण भाग में जो दिखाया था, ये यहाँ पे जो पांच पिलर्स की गई थी तो वहाँ से आपको हवा और रोशनी जाने का मार्ग था, लेकिन यहाँ पे पूरा वो बंद है। ये देखिए एक बढ़िया आपको नक्काशी देखने को मिलता है जहाँ पे भगवान कृष्ण अपना बंसी बजा रहे हैं और पशु पक्षी के साथ दूसरे वृंदावन वासी जो है वो उसका आनंद ले रहे हैं उस मधुर धुन का, ये यहाँ पे दर्शाया गया है।
और ये देखिए हम आके फिर वही सामने के भाग में पहुंच गए हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं मैं वो गेट से आया था, यहाँ पे एंट्री के लिए यही एक गेट है और सामने आपको जो दिखाई दे रहा है मंदिर गेट के बीचों बीच से दिखाई दे रहा है तो वो सुकोसारी मंदिर है। ये देख सकते हैं आप, मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ मंदिर के अंदर जो देवी हैं वैष्णवी देवी हैं उनको मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। इनको चामुंडा के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये चामुंडा मंत्र से पूजी जाती हैं, लेकिन ये देवी वैष्णवी हैं। ओम एंग ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे नवाण मंत्र, इसको कहते हैं नवाण। यहाँ पे सामने आप देख सकते हैं यहाँ पे यज्ञ कुंड है देवी के ठीक सामने। देखिए उनके सामने नवग्रह है। इस वीडियो में मैं आज आपको पूरा इस चित्रकारिणी मंदिर जो कि 13वीं शताब्दी का मंदिर है जो कि भुवनेश्वर शहर के ओल्ड टाउन एरिया में अवस्थित है, मैंने पूरा आपको डिटेल्स में दिखा दिया है और इसके बारे में जो थोड़ा बहुत मुझे जानकारी थी वो भी इस वीडियो के माध्यम से आपको दे दी है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और आपके जान पहचान के लोगों में इसको शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी जान सके कि ऐसा एक मंदिर भुवनेश्वर शहर के ओल्ड टाउन एरिया में अवस्थित है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि आपके एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने से मुझे भविष्य में इस तरह के वीडियो डालने के लिए पॉजिटिव प्रोत्साहन मिलता है। तो फिर चलते हैं अगले वीडियो में, फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।